आज वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका और इंडिया के बीच मैच हुआ मुंबई में, और ये मैच एकदम वन साइडेड था। एक तरह से कहिए कि आज वानखेड़े में इंडिया ने लंका दहन किया। पहले गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, इन लोगों ने मिट्टी का तेल छिड़का श्रीलंका पर, और बाद में बॉलरों ने आके सिराज, शामी और जडेजा ने भी एक विकेट लिया, बुमराह ने भी एक विकेट लिया, इन लोगों ने मिला के उसमें आग लगा दी और श्रीलंका बुरी तरह वानखेड़े में जल गया। आज हमारे बैट्समैन, हालांकि आप सोचिए कि 357 रन बना और एक भी सेंचुरी नहीं है इंडिया की, जहाँ के लोग 300 350 रन बनाते हैं तो एक एक दो दो लोग की सेंचुरी होती है। तो इसमें सुमन गिल 92 रन पे आउट हुआ, विराट कोहली अनलक्की, उसको सेंचुरी हम लोग पूरी उम्मीद थी कि सेंचुरी बन जाएगी, बस वही है। एक्चुअली क्या होता है, मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ कि विराट कोहली जब क्रिटिकल स्कोर पे पहुंच जाता है ना सेंचुरी के, तो हम लोग के मन में थोड़ी धकधकी लगी रहती है, दुख कहीं आउट ना हो जाए, कहीं आउट ना हो जाए, क्योंकि इतना उसको हम लोग मानते हैं, तो वो दुख दुखी लगी रहती है कि कहीं आउट ना हो जाए। और वही हुआ, वो 88 रन बना के आउट हो गया। और उसके बाद श्रेयस अय्यर ने जो छक्कों पे छक्का मारा ना, कमाल की बैटिंग उसने थी। मुझे तो लग रहा है कि वो अगर आउट ना होता तो सेंचुरी बन जाती उसकी, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं कर रहा था। इतनी तेज बैटिंग किया और 82 रन बनाया, 18 रन अगर वो आउट नहीं हुआ होता तो मार देता हूँ, जिस तरह छक्के मार रहा था। तो ये इस तरह से बैटिंग सारे बैट्समैनों ने की। आज रोहित शर्मा जो है आउट हो गए जल्दी, हमको मन में हुआ कि अच्छा ही हुआ, नज़र लग रही थी लोगों की, चलो नज़र बट्टू निकल गया, अब आगे जो मैचेस में बढ़िया खेलेगा वो। और उसके जवाब में श्रीलंका, माई गॉड, दो रन पे 3 विकेट, फिर कब 7 रन पे 5, किस तरह से आउट हुए हैं वो लोग, 7 रन पे 4 विकेट हो गया, फिर किस तरह से आउट हुए हैं रियली। अंत में जाके पूरी टीम जो है श्रीलंका की 55 रन पे धराशायी हो गई, और शामी ने भी बड़ी गजब बॉलिंग की आज, और उसने सिराज ने भी बढ़िया बहुत बॉलिंग किया, और जसप्रीत बुमराह तो शुरू में बॉलिंग किया, उसके बाद तो उसको दोबारा बॉलिंग करने का मौका ही नहीं मिला। तो हमारे बॉलरों ने आज श्रीलंका को बुरी तरह पस्त किया है। तो अब कहिए या मत कहिए, पाकिस्तानी इंडिया जब जीतती है तो रोते हैं वो सारे पाकिस्तानी, और अब वो रो रहे होंगे, उनको रोते हैं और उनको बड़ी जलन है इंडिया से, एक्चुअली उनको बर्दाश्त ही नहीं होता इंडिया कैसे इतना आगे बढ़ रही है। तो अब वो जल 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 रहे हैं बहुत, अपना गुड़ा भाग कर रहे हैं कि कैसे, वो अपनी कारकर्दगी नहीं देख रहे हैं कैसा खेल रहे हैं, लेकिन वो गुड़ा भाग कर रहे हैं कैसे हम सेमीफाइनल में जाएंगे। अभी तुम्हारे पास मैच है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ, वो तो पहले देखो, पहले गुड़ा भाग करना शुरू कर दिए। तो पाकिस्तानी बड़ी गुस्सा लगती है मुझे, मैं क्या बताऊँ जो है। तो फ्रेंड्स, आज तो बहुत ही ज़बरदस्त इंडिया ने, हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, और देखिए शुरू में जब टॉस हुआ तो श्रीलंका के कैप्टन ने पहले फील्डिंग चुन लिया, फिर बाद में रोहित शर्मा से रवि शास्त्री ने पूछा तो रोहित शर्मा ने कहा कि मैं तो हम लोग तो बैटिंग ही करने वाले थे। तो टॉस इंडिया हार के भी बैटिंग करते, जीता होता रोहित शर्मा तब भी बैटिंग करते, और बैटिंग करना भी चाहिए था क्योंकि हम लोगों ने मैक्सिमम मैचेस जो है ना पहले फील्डिंग करके जीता है, तो ये कमजोर टीम थी तो ये बढ़िया ही किया कि बैटिंग करके जीता। तो फ्रेंड्स, वही है कि आप लोग को, सबको, सारे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई, और श्रीलंका तो अब एक तरह से टूर्नामेंट से बाहर ही हो गया, पता नहीं क्यों इतना इतना खराब टीम ने जितना खराब खेल रही है श्रीलंका, बट लेकिन ठीक है, हम लोग को तो इतनी जबरदस्त 302 रन से जीता है आज इंडिया ने, समझ लीजिए। अब हम लोग का एवरेज रन रेट भी काफी ऊपर चला गया, अभी देखा नहीं कैलकुलेट कर कितना हुआ, और 302 रन से जीतने का मतलब होता है। तो
तो इंडिया नॉट ओनली ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, बट इंडिया पहली कंट्री बना है जो कि सेमीफाइनल में बर्थ उसका पक्का हो गया। फ्रेंड्स यही बताना था, थैंक यू वेरी मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, भारत माता की जय। जय हिंद।